किसी रिक्शा वाले को एक राजनीतिक दल इतना सम्मान देगा सोचा न था। शपथ ग्रहण में कोई मंत्री या विधायक नहीं, रिक्शा वाला बनाया गया चीफ गेस्ट। मुख्य अतिथि बना रिक्शा चालक, तो फिर देखने वाले भी थे दंग। पहली बार लोगों ने देखा ये नजारा तो नहीं हुआ आंखों पर यकीन। न बीजेपी और न कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी ने कर दिया कमाल और रिक्शा चालक को सम्मान देकर चुनाव के बाद जीता लोगों का दिल। कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो तो मुख्य अतिथियों में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जो बड़ी गाड़ी से आए और भकभके कपड़े पहने हो। चीफ गेस्ट के तौर पर विधायक, सांसद, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन पहली बार एक रिक्शा चालक को मुख्य अतिथि बनाया गया और फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। तस्वीरें सामने आई तो लोगों को लगा कि रिक्शा चालक मंच पर क्या कर रहा है, लेकिन जब हकीकत पता चली तो लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पार्टी कुछ ऐसा भी कर सकती है। ये काम ना तो बीजेपी ने किया और ना ही कांग्रेस पार्टी ने अब तक ऐसी कोई मिसाल पेश की है, लेकिन जिस पार्टी ने ये काम किया उसने तो सबको हैरान कर दिया। जानकारी की माने तो रामपुर में केमरी नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष रफत अंसार का शपथ ग्रहण समारोह बेसिक स्कूल में आयोजित किया गया। इस मौके पर आए अतिथि और जनता मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि कोई बड़ी गाड़ी से आएगा और मुख्य अतिथि की कुर्सी संभालेगा, लेकिन जब एक रिक्शा चालक को ये कुर्सी ऑफर की गई तो लोग देखकर दंग रह गए। शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष रफत अंसार समेत सभासदों को उप जिलाधिकारी ने शपथ दिलवाई। इस समारोह की खास बात यह रही कि पार्टी ने समारोह का मुख्य अतिथि आम इंसान यानी रिक्शा चालक वकील अहमद को बनाया, जो काफी चर्चा का विषय रहा। शपथ समारोह में आम आदमी पार्टी ने किसी मंत्री, सांसद या विधायक को मुख्य अतिथि नहीं चुना। इसके जरिए आम आदमी पार्टी ने संदेश दिया है कि आम आदमी को सम्मान देने का मादा सिर्फ उसके पास है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने केमरी के आवाम का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों पर बीजेपी सरकार ईडी के छापे डलवा रही है। उन करीबियों पर जिन्होंने रामपुर समेत देश भर से दिल्ली इलाज को गए हुए लोगों का बेहतरीन और मुफ्त इलाज करवाया। फैसल लाला ने तंज कसते हुए कहा कि संजय सिंह हमारे भी सुख दुख में शामिल होते हैं, इसीलिए रामपुर में भी ईडी का स्वागत है। जिला अध्यक्ष अंसार अहमद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे आवाम से किए हैं, हम एक एक करके उन सारे वादों को पूरा करेंगे। इस मौके पर आप नेता मामून शाह खान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां तमाम मेहमानों की चर्चा तो सुर्खियों का केंद्र रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुख्य अतिथि के तौर पर रिक्शा चालक की ही रही। रिक्शा चालक को जो सम्मान मिला उससे उसने भी खुशी जाहिर की और साथ ही आम आवाम का भी दिल आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।